आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नारेशन। ये क्लास 12 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश होता है उसमें ये निश्चित रूप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो नारेशन कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मेन पार्ट है और इसको सीखना हर उस विद्यार्थी के लिए ज़रूरी होता है जो इंग्लिश बोलना चाहता है या समझना चाहता है या इंग्लिश में लिखे हुए बातों को हिंदी जानना चाहता है। और आज की दुनिया में हर एक विद्यार्थी, इसका परिभाषा आप बोल सकते हैं, सेंटेंस विच इज गिवेन बाय एनी पर्सन इज कॉल्ड नरेशन, या स्टेटमेंट विच आर गिवेन बाय एनी पर्सन इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है ना? तो नरेशन क्या है? किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन है। ठीक है, अब बात करते हैं नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नरेशन, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो नरेशन जो होते हैं वो नरेशन होते हैं दो तरह के, नरेशन जो होते हैं वो होते हैं दो तरह के। एक नरेशन होता है आपका डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। पहला होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन। नरेशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट नरेशन वैसा नरेशन होता है जिसमें वक्ता द्वारा कहे गए कथन को हूबहू आपको कह दिया जाए, हूबहू, जैसे कोई कहा और आप उसको कह दिए, उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए, वह मुझे कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, ठीक है, वह मुझे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, अब इसी को दूसरे वाक्य, दूसरे कथन से कहें तो क्या कहेंगे? वह मुझे कहा कि मैं नहीं, मैं के जगह पे बोलेंगे वह तुम्हारा नहीं, हमारा या मेरा, कह सकते हैं मेरा, वह मेरा दोस्त है। दोनों कथन सेम है, दोनों का अर्थ सेम ही है। क्या? वह मुझे कहा, एक लड़का है, जैसे एक लड़का है, ये लड़का है, और ये लड़का मुझे कहा, क्या कहा ये लड़का मुझे कहा कि ये लड़का हमको कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये लड़का मुझे क्या कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो हम तुमको कहें, ये लड़का मुझे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नहीं, हम तुम्हारे सर जी हैं, ठीक है ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नहीं, वो लड़का कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जैसे कहा वैसे ही हम कह दिया मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, उसी को हम बोल दिए क्या, वह मुझसे कहा कि वह मेरा दोस्त है। बात बराबर है ना, हुआ, कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। एक अच्छा एग्जांपल कल आया था दिमाग में कि जैसे आपसे हम फी मांगे तो आप क्या बोले, पापा जी बोले हैं कि जाओ तुम ट्यूशन पढ़ने जाओ, हम बात कर लेंगे, आपसे हम खड़ा कराए फी जमा कीजिए, तब क्या बोलते हैं, सर पापा जी बोले हैं तुम जाओ कोचिंग में, हम बात कर लेंगे फ़ोन से। तू हमको कह रहे हो क्या तुम जाओ कोचिंग में, बोलो, अब तुम ही से खड़ा करा के बोलेंगे, तुम जैसे हम कहें उसे कहो, तुम खड़े हो स्टैंड अप फील आइए, तो क्या कहोगे, पापा जी तुम कोचिंग, हाँ मैं बात कर लूँगा, तो तू कभी करे तुम मुझे जाओ, तुम करो तुम कोचिंग जाओ तो हम कोचिंग पढ़ने जाए, नहीं पापा जी कहे तुमको ना कहे हैं, तो तुम क्या कहियो, पापा जी जो कहे वही बतवा के तू हमको कह दी, नहीं अब तुम तो ऐसे भी तो कह सकती थी, पापा जी कहे हैं कि मुझे कोचिंग जाने के लिए और वे आपसे बात कर लेंगे,
ऐसे तो कर सकते हैं ना, मगर तुम क्या कहे हू बहू जैसे कहे वैसे वैसे कह दिए, तो उसको कहते हैं हू बहू कहना। क्या कहते हैं? हू बहू कहना। ऐसे बजाओ, जैसे वह लड़की थी ना, लड़की उसको हम बोले गए उससे बात किए, तो कह रहा क्या मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बोली वो हमको क्या बोली? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो हम तुमसे कह रहे हैं वो लड़की थी ना, वो हमको कहती कह रहे जानते हो मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो हम तुमसे कह रहे हैं नफरत करती हूँ, हम तो लड़का है, हम कह रहे हम नफरत करते हैं, वो हमको कह रही है कि नफरत, हम क्या बोलते थे वह मुझे कहती हैं या वो मुझे कही कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो वो उसको हम बताना बदल के कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो उसी को जब हू बहू माने कह करता जो कथन कहेगा, मैंने सब्जेक्ट जो कथन बोला हू बहू ऐसे ही कह दिया, तो हो गया डायरेक्ट नैरेशन। क्या हो गया? डायरेक्ट नैरेशन। और उसी को बदल देकर, बदल कर हम कह दिए, तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट नैरेशन। मतलब तो डायरेक्ट नैरेशन किसे कहते हैं? अब सवाल उठता है क्या कि भैया डायरेक्ट क्या है? तो पहला नंबर जो है आपका डायरेक्ट नैरेशन, डायरेक्ट नैरेशन, डायरेक्ट नैरेशन क्या है? डायरेक्ट नैरेशन कहिए या डायरेक्ट स्पीच कहिए, बात बराबर है, ठीक है ना? तो उसे किसे कहते हैं डायरेक्ट नैरेशन किसे कहते हैं? तो वक्ता द्वारा कहे गए कथन को जब हू बहू कह दिया जाए तो डायरेक्ट नैरेशन। क्या? देखिए ध्यान से, वक्ता, वक्ता माने क्या? जो बोलता है। वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को, कहे गए कथन को, क्या कथन को, क्या हूबहू, हूबहू प्रस्तुत करना, क्या या हूबहू कहना, हूबहू कहना ही क्या कहलाता है? कहना ही डायरेक्ट नैरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नैरेशन कहलाता है, डायरेक्ट नैरेशन कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। जैसे जैसे देखिए एग्जांपल लिखते हैं, आई जैसे जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कितना खास है, बोलोगे आराम से, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, वह मुझसे कही कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वह मुझसे कही कि, या वह मुझसे कहा कि वह मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नैरेशन है, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल, तो ये एग्जांपल इसमें क्या होता है, देखिए एक एक एग्जांपल रहने दीजिए। ये कर्ता जैसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो हम ही बोल दिए क्या, वह मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, वह मेरा दोस्त है नहीं, हम क्या बोले, वह मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, राइट। तो इसको कहता जैसे, करता जैसे कहा वैसे वैसे ही हम कह दिए, तो क्या हो गया? डायरेक्ट नैरेशन। इसका पहचान क्या है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, कॉमा रहेगा, तो समझ जाइए डायरेक्ट नैरेशन है। इसका पहचान क्या है, इसमें नोट एक लिख लेंगे, नोट, नोट क्या हो गया इसमें, मतलब इसमें मतलब क्या है, डायरेक्ट स्पीच में, क्या डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में, वो डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कॉमा, यानी कि कॉमा, कॉमा तथा, तथा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इसको कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है, क्या रहता है, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है, लगा रहता है, इसका यही दिन नियम होता है, क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है, इसमें यही पहचाने हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नैरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट नैरेशन का क्या परिभाषा बनेगा, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट नैरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीचें कहिए, बहुत अच्छा लगता है स्पीच कहने में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को अर्थ में, अर्थ बदले बिना, क्या अर्थ बदले बिना दूसरे तरीका से कहा जाता हो तो क्या होता है, इनडायरेक्ट नैरेशन। क्या होता है, जब वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा कहे गए, क्या कहे गए कथन को, क्या कथन
कथन को अर्थ बदले बिना, कथन के अर्थ बदले बिना, कथन के अर्थ बदले बिना, अर्थ माने मीनिंग, अर्थ माने क्या, मीनिंग अर्थ बदले बिना, बदले बिना दूसरे तरीका से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दूसरे तरीका से कहना, कहा गया कथन क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है ना। वक्ता द्वारा कहे कथन को क्या कहता है? दूसरे तरीका से कहा जा रहा है, क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इसको हम बना के देखते हैं। जैसे यहाँ तो वाक्य था, क्या था, हटा दे देखा, और यहाँ पे हाथ ये था, ही सेज टू मी, तो इसको बदलते हैं टेल्स में। क्या बदलते हैं? टेल्स में। तो ही टेल्स मी आ गया ना, ही टेल्स मी, जैसे हो गया एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ही टेल्स मी, आ कनेक्टर लगा देते हैं दैट, इन ऑर्डर कम हट जाता है। और यहाँ पे ये रूल होता है, ही बदलता है, ई बदलता है ही के अनुसार, तो ही इज, ई बदलेगा माई, ही इज माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा? ही इज माई फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ? वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है, वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है, उसे को इनडायरेक्ट तरीके से कह दिया। अब ये बना है तो किस रूल पे बना है, इसका रूल पता होना चाहिए हमको कि कैसे बन गया है। हम तो बना लिए, आपको भी बनाने आना चाहिए ना। तो परीक्षा में ये सब नहीं पूछता जो बताए हैं, परीक्षा में ये पूछता है कि कैसे बनता है, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया आपको, ये सब परीक्षा में नहीं पूछेगा। कैसे चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे चेंज होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उसको जानने से पहले हमको कुछ चीज़ जानना जरूरी होता है। जैसे लिखा हुआ है राम, जब मान लेते हैं लिखा हुआ है, चलिए ही लेते, चलिए ही लेते, ही सेज टू अस दे आर योर फ्रेंड, योर इनेमी लेते, इनेमी पुलिस स्टॉप लगा देते हैं। अब देखिए, अब आपको देखिए इस वाक्य में क्या दिमाग में घूम रहा है, देखिए जरा सा, इसमें थोड़ा समझना है आपको, क्या कुछ टर्म समझना है आपको, इसमें कुछ टर्म क्या समझना है आपको, आपको इतना समझिए ये क्या कहलाता है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे भैया, इसको क्या कहेंगे, ठीक है ना। इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग, क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। आज जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें जो वर्ब है, इसमें जो वर्ब पाया गया है, कौन सा वर्ब पाया गया है, देखिए इसमें जो वर्ब पाया गया है, चलिए हम लेते हैं ये एक नया कलर रेड ले लीजिए, सेज टू, इसको क्या कहेंगे, इसका नाम अलग है, इसका नाम पड़ेगा क्या, रिपोर्टिंग स्पीच में है तो इसका नाम होगा रिपोर्टिंग वर्ब, क्या कहेंगे इसको, रिपोर्टिंग वर्ब। कोई पूछेगा रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब रहेगा
उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। इसमें जो वर्ब है कौन वर्ब है भैया, इसमें जो वर्ब है इसमें ये वर्ब है तो कौन में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब है, तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या देंगे, रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, याद रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा वाला में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, क्या कहेंगे उसको, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। उसमें जो वर्ब होगा उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, क्या कुछ सीख गए नहीं, सीखे सीखे ना, चलिए अब ये सीख गए तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के क्या तरीका है, क्या रूल्स हैं उसके, उसके कुछ रूल्स हैं, क्या है, रूल्स हैं, नियम से, उसका नियम है, उन नियमों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो रूल क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, रूल। किस चीज़ का रूल पढ़ने जा रहे हैं, रूल पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स ऑफ चेंजिंग, रूल्स ऑफ चेंजिंग, चेंजिंग इनडायरेक्ट नरेशन इन इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन, मतलब कि रूल्स ऑफ चेंजिंग, रूल्स ऑफ चेंजिंग क्या, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, इसका रूल्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, नियम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ने का नियम हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है ना, ठीक, तो उसका रूल बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर रूल क्या है इसका, रूल नंबर वन क्या होगा भाई, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, नरेशन बनाने का सबसे पहला रूल, सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, गलती हो गया, सबसे पहले आप रिपोर्टिंग स्पीच को देखिए, किसको देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच को सबसे पहले, क्या सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को देखना, किसको देखना, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच को देखिए, स्पीच को देखें और पता करें कि कौन से टेंस में है, माने रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पता कर लीजिए, टेंस पता करें, सबसे पहला काम। टेंस का वो होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर वह प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस है, क्या है, बोलिए, प्रेजेंट टेंस है, या दूसरा नंबर क्या हो सकता है, या फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर, तब आप बिल्कुल नहीं घबराइए। क्यों नहीं घबराइए, क्योंकि इसका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका टेंस चेंज नहीं होने वाला है, मतलब अगर ऐसा है तो रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच माने रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा वाला, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, क्या टेंस चेंज नहीं करेगा, चेंज टेंस चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, क्या फिर से समझ लीजिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पता कर लिए आप, पता करना बहुत आसान होता है, टेंस पढ़े तो पता कर ही लीजिएगा, नहीं पढ़े तो पता करना सिखा देंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल चेंज नहीं करेगा वो, ठीक है, चेंज नहीं करेगा। तो कब चेंज करेगा, जब वह पास्ट टेंस में है तो थोड़ा घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि अब टेंस चेंज करने वाला है, इसमें क्या होगा, टेंस चेंज करेगा, टेंस चेंज करेगा। अब इसका क्या मतलब है, तो समझा दीजिए सर, है ना,
ठीक है, इसका मतलब आपको समझाते हैं, इसका मतलब आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल पहले आप रूल्स को देख लिए फिर एग्जाम्पल दिखाएंगे तो मजा आएगा। फिर से याद रखिए, आपको एक बार बता देते हैं फिर से, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग समझ लीजिए, ब्रैकेट के अंदर रिपोर्टेड, ब्रैकेट के पहले रिपोर्टिंग। तो आपको सबसे पहला देखना है इसका टेंस को, ये कौन टेंस है, तो ही सेज टू अस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब टेंस कौन है, प्रेजेंट टेंस है, कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि इसका टेंस चेंज नहीं करेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेगा। फिर समझ लीजिए क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेगा। अगर यही रहता सेज के जगह पे सेड, क्या रहता, सेड, तब ये पास्ट टेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट टेंस हो गया, तब एक टेंस चेंज करता, ठीक है ना। अगर ये फ्यूचर टेंस रहता तो यू नहीं करता, अगर मान लिए विल से रहता तो भी चेंज ये क्या होता, नहीं करता, क्योंकि प्रेजेंट टेंस रहे चाहे पास्ट टेंस रहे तो टेंस चेंज नहीं करेगा, नहीं प्रेजेंट टेंस रहे चाहे फ्यूचर टेंस रहे तो टेंस चेंज नहीं करेगा, जब पास्ट में रहेगा तब टेंस चेंज करेगा, पास्ट के अलावा रहेगा तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, चलिए तो सेज रहने दीजिए, ठीक है, तो सेज हो गया, सेज है तो टेंस चेंज करेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो टेंस चेंज करेगा, किसका टेंस, एक चेंज नहीं करेगा, देखेंगे एक चेंज करेगा, एक किसको देखे हैं, रिपोर्टिंग वाला को, कौन टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो केकर चेंज चेंज करेगा, रिपोर्टेड वाला के, रिपोर्टिंग वाला के ना, एकर एकर देखेंगे एकर चेंज होगा, ठीक है ना, आ गया, इतना समझ में आ गया, चलो इतना समझ में आ गया तो चलो आगे चलते हैं रूल नंबर टू की तरफ, ठीक है। रूल टू क्या कहता है, रूल टू कहता है कि भाई आपको रिपोर्टेड स्पीच में बढ़ने से पहले इन्वर्टेड कॉमा बीच में आता है, क्या आता है, इन्वर्टेड कॉमा, और बीच में कॉमा भी आता है, तो उसको हटा के डैट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, डैट, माने कि मतलब क्या, ये कॉमा के जगह, कॉमा के जगह कॉमा को चेंज करना है, ऐसे लिखें कॉमा के जगह कॉमा के चेंज करना है, कॉमा को चेंज करके क्या लिख देना है आपको, डैट, क्या लिखना है, डैट। फिर समझ लीजिए कौन कॉमा है, तो कॉमा ये वाला कॉमा है, देखिए कॉमा देख रहे हैं, आई हमारे कॉमा देख रहे हैं, इसको हटा देना है और क्या लगाना है, डैट। इसको भी हम रूल नंबर तीन के अंतर्गत रखते हैं, इसको दो के अंतर्गत नहीं रखते हैं, इसको दो के अंतर्गत, दो के अंतर्गत दूसरा रखते हैं, दो के अंतर्गत ई रखते हैं, दो के अंतर्गत क्या रखते हैं, देखिए से टू रहेगा ना, से टू, तो इसको बदलना टेल में, किसे बदलना, टेल में, अगर सेज टू रहेगा तो किसमें बदलना, टेल्स में, किसमें बदलना, टेल्स में, अगर सेड रहेगा, सेड टू, तो इसको बदलना टोल्ड में, किसमें बदलना, टोल्ड में, याद कर लो सेज टू किसमें बदलेगा, टेल में, सेज टू किसमें बदलेगा, टेल्स में, सेड टू किसमें बदलेगा, टोल्ड में, राइट। ये रूल नंबर टू के अंतर्गत रखा जाएगा, रूल नंबर थ्री के अंतर्गत क्या रखें हम लोग, इसी में रखते हैं रूल नंबर थ्री, छोटा सा रूल है इसको इसी में कर देते हैं, ठीक है। रूल नंबर थ्री क्या, देखिए रूल नंबर थ्री क्या कह रहा है कि अगर वो यहाँ सॉरी ये कॉमा देख रहे हैं, कॉमा और बगल में ऐसे इन्वर्टेड कॉमा भी होगा, तो इस कॉमा सब के बदले में क्या लिखना होगा आपको, कॉमा के बदले में आपको क्या करना है, हुआ वहाँ पे लगा देना है डैट, क्या लगा देना है, डैट, कनेक्टर कहते हैं उसको, कनेक्ट कर देगा दोनों को डैट से, रूल नंबर तीन हो गया, ठीक है। रूल नंबर चार क्या है, चार, रूल नंबर चार देखिए क्या कह रहा है, रूल नंबर चार, इसमें रूल लिखना छूट गया है, ये सब रूल है भाई, रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री, अभी जो पढ़ने जा रहे हो कौन है, रूल नंबर फोर, राइट। रूल नंबर फोर क्या कह रहा है, रूल नंबर फोर कह रहा है क्या कि इसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है, वन टू थ्री को, वन टू थ्री, वन टू थ्री, इसको चेंज करना है कैसे, इसको करना है एस ओ एन, एस ओ एन, ये क्या है भाई, इसका मतलब समझाना पड़ेगा ना, मतलब समझना पड़ेगा क्या है, इसमें मतलब समझिए इसको, इसका मतलब ये होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा सब्जेक्ट के अनुसार,
एक माने फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सेकेंड पर्सन चेंज करेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन चेंज करेगा नो चेंज, क्या करेगा नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। यही रूल है आपका। कौन नंबर रूल? चार नंबर। अच्छा एक एग्जांपल बताइए, एग्जांपल समझाते हैं आपको, एग्जांपल समझाते हैं। ये है ना, इसको समझाना है। अब इतना से हम लोग बनाते बना रहे हैं, इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये डायरेक्ट है, क्या है डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। ही है तो ही रहने दीजिए। सेज टू के किस में बदलना हुआ? सेज टू, देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं सेज टू किस में बदलते हैं भैया। सेज टू को बदलना है किस में? टेल्स में, टेल्स में बदलना है, याद कर लेंगे हम लोग। सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, ओके टेल्स। ये दोनों खत्म हो गया। अस है तो अस लगा दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदलना है? अभी पढ़े हैं इन्वर्टेड कॉमा के डेट में, बस। अब तुमको देखना है यहाँ पे इसका पर्सन, ये कौन पर्सन है? तो ये थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, अभी पढ़े हैं एक दो तीन एस ओ एन। फर्स्ट पर्सन रहता तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रहता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो दैट यहाँ पे दे के दे लगा दो, क्या लगा दो? दे, दे का दे। आर है तो आर लगा दो। योर, योर है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी पढ़ो एक दो तीन एस ओ एन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? तो इस सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो अस का हो जाएगा आवर, क्या हो जाएगा आवर। इनेमी का इनेमी है, ये थर्ड पर्सन नो चेंज बन गया, ठीक है। तो अभी तो तय के रूल पढ़े हैं, अभी तक रूल बाकी है, अभी रूल पढ़ना बाकी है, अभी रूल खत्म नहीं हुआ। देखो बात नहीं, अभी रूल अभी खत्म नहीं हुआ, रूल बाकी है, अभी रूल अभी चलने वाले हैं, अभी घबराइए नहीं। अभी तो हम एग्जाम्पल ही समझा रहे थे, तो समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब तुमको ये समझना पड़ेगा ये पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको प्रोनाउन, क्या पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन। तो रूल नंबर पाँच है चेंज ऑफ प्रोनाउन, रूल नंबर पाँच क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउन, रूल नंबर पाँच क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रोनाउन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, कौन प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है सात गो, क्या गो होता है? सात गो। पर्सनल प्रोनाउन क्या गो होता है? सात गो। कौन कौन होता है भैया? आई होता है, क्या होता है? आई। फिर क्या होता है? वी। फिर क्या होता है? यू। और क्या होता है? ही। और क्या होता है? सी। और क्या होता है? इट। और क्या होता है? दे। ये सात गो प्रोनाउन होता है, इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। याद रहेगा, बोलिए याद रहेगा, ठीक है ना। आई माने मैं, वी माने हम लोग, यू माने तुम लोग, आप लोग, ही माने वह पुरुष के पुलिस के लिए नहीं पुलिंग के लिए, सी माने वह स्त्रीलिंग के लिए, इट माने निर्जीव प्राणी के लिए छोटे वस्तु के लिए, और दे माने होता वे लोग, है ना, सब जानते हैं। चलिए यह पर्सनल प्रोनाउन, इसमें इसका ये नोमिनेटिव केस, जब इस सब्जेक्ट रहेगा तो इसका केस पढ़ेंगे हम लोग, केस पढ़ेंगे तीन गो। कौन कौन केस? नोमिनेटिव केस, क्या कहेंगे इसको? नोमिनेटिव केस। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या क्या होता है? नोमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नोमिनेटिव केस जब सब्जेक्ट रहेगा तो नोमिनेटिव केस, सब्जेक्ट रहेगा तो नोमिनेटिव केस, सब्जेक्ट रहेगा तो नोमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, याद रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, याद रहेगा ना। चलिए तो जब सब्जेक्ट रहेगा तो आई रहेगा, आज जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या रहेगा? तो आई नहीं रहेगा, मी हो जाएगा, क्या जाएगा? ठीक है ना। और वी रहेगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बोलिए अस हो जाएगा। यू रहेगा तो यूए रहेगा भैया। ही रहेगा तो ही हीम हो जाएगा, हीम। सी रहेगा तो हर हो जाएगा, हर। इट रहेगा तो इट हो जाएगा, इट। दे रहेगा तो देम हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए,
जब आई सब्जेक्ट रहता है तो आई रहता है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, याद हो गया? आ जब यही चीज बा, जब यही चीज बा, जब पोजेसिव केस में होगा, किस में होगा? पोजेसिव केस में, किस में? पोजेसिव केस में होगा, जब ये पोजेसिव केस में होगा तब क्या होगा बताइए बुआ, पोजेसिव केस में होगा तब क्या होगा बताइए, पोजेसिव केस, पोजेसिव केस, पोजेसिव केस होता है अधिकार बताने के लिए या संबंध बताने के लिए, किसके लिए? अधिकार या संबंध बताने वाला को कहते हैं पोजेसिव केस। नोमिनेटिव केस किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वाला को कहते हैं नोमिनेटिव केस। नोमिनेटिव किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वाला को। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट वाला को। आप पोजेसिव केस किसे कहते हैं? संबंध या अधिकार वाला, क्या चीज? संबंध या अधिकार वाला, याद कर लीजिएगा, कथी वाला, संबंध या अधिकार, क्या? या अधिकार, संबंध या अधिकार वाला। छोटा सा परेशानी कर देगा, ये देख लीजिए, बड़े झंझट है रे भाई, न हटे वाला है का ही सब छोटा सा पत्थर का बदला है, घुस गया है कने कने घुस गया ले, तो सब छोटे बना दे बोले एने आओ। संबंध या किसके बताने के लिए हुआ? अधिकार बताने के लिए, या अधिकार, अधिकार बताने के लिए। यह करता रहेगा तो, करता रहेगा तो नोमिनेटिव केस, सब्जेक्ट रहेगा तो नोमिनेटिव केस, आ कर्म यानी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना बुआ? पसंद आ रही ना है कि नहीं? बोल जल्दी, समझ पा रहा है? अब देखो, अब पोजेसिव केस में ना दू गो होता है, पोजेसिव केस में क्या गो होता है? दू गो, या तो ये एडजेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा? एडजेक्टिव, या तो ये एडजेक्टिव बन के रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, और न तो प्रोनाउन बन के रहेगा, क्या रहेगा? प्रोनाउन, एडजेक्टिव ना तो प्रोनाउन, ठीक है ना? एडजेक्टिव ना तो प्रोनाउन बन के रहेगा, ये बात तो फिक्स है इसका, ऑब्जेक्टिव ना तो प्रोनाउन बन के रहेगा। चलिए अब देखिए, ऑब्जेक्टिव बन के रहेगा ना प्रोनाउन, अब एडजेक्टिव बन के रहेगा तो क्या होगा, अब प्रोनाउन बन के रहेगा तो क्या रहेगा बताइए? जब एडजेक्टिव बन के रहेगा तो आई हो जाएगा माई, क्या हो जाएगा? माई, अब प्रोनाउन बन के रहेगा तो हो जाएगा माइन, ठीक। और जब वी रहेगा, ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव बन के रहेगा तो हो जाएगा आवर, ये हो जाएगा आवर्स। यू रहेगा और एडजेक्टिव बन के आएगा तो कहेगा योर, योर तुम्हारा, योर्स तुम्हारा। ही आएगा तो बन जाएगा हीज, अहू में जाएगा तो हीजे रहेगा बेचारा, हीज एम ए गया तो ही। सी रहेगा तो क्या जाएगा? हर, इसमें क्या रहेगा? हर, इसमें इट रहेगा तो इट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इट्स, इसमें बेचारा रहवे नहीं करता है, इसमें इट ही रहता है। दे रहेगा तो देयर, टी एच ई आई आर, देयर, इसमें टी एच ई आई आर एस, देयर्स, इसमें दे। ये रूप तुमको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है? पोजेसिव, हाँ, इसमें हर का हर ही रहता है, देख रहा लीजिए कितना हर्ष है, लगा लीजिए हर्ष, चलिए हर्ष लेके रहिए भैया, हर्ष से लगा लीजिए, चलिए कंप्लीट है ना। अब दिमाग में एक चीज़ और सेट कर लीजिए भैया, कैसे कैसे रूप हो रहा है। आई का माई, माइन, मी, वी का आवर, आवर्स, अस, यू योर, योर्स, यू, ही, अरे भैया कहाँ चेंज हो जाता है, तो ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, क्रॉस, कुछ नहीं, इट, दे, देयर्स, देयर्स, देम, ठीक है? ये रूप याद होना चाहिए, ये है उसका रूप, ठीक है? अब इसमें कैसे कैसे चेंज करेगा अब समझ में आएगा, ये टेबल हमको याद रहना चाहिए तभी जाके होगा, ये टेबल तुमको जाके घर पे लिख लिख के याद करना होगा, हो जाएगा याद? ये रूल नंबर है 5, ठीक है? इसमें चेंज कैसे करेगा? अगर इतना रूल पढ़ लिए हैं तो अब हमको रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब हम बना सकते हैं, क्या
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब आपको बना बना के दिखाते हैं, आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारा ढेर सारा एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, इनवर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। नंबर दो क्वेश्चन है, सी सेज टू मी इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आई लव यू एंड योर मदर। भैया जल्दी जल्दी हो जाओ, ठीक है ये, ठीक है ना। और भी वाक्य लेते हैं, तीसरा नंबर, ही सेज टू अस, यही नहीं लेते हैं, यू से टू अस, You say to us, we are your friends। और कुछ कर और भी कर लेते हैं इसमें और लिख देते हैं, चलिए बढ़िया सा। सेलेक्ट करते हैं, गायब कर देता है, कौन है ये, यू आर क्या है, वी आर योर फ्रेंड्स एंड यू आर माय फ्रेंड। इस सबको डायरेक्ट नरेशन बनाना है, इंडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं, पहला नंबर बना के देखते हैं हम लोग। पहले बनाने का नियम, सबसे पहला रूल कहता क्या है कि पहले एक टेंस चेक करिए, कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस है, घर आने की कोई बात नहीं है, इसका टेंस चेंज नहीं करेगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। इसमें कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, इसमें टेंस चेंज नहीं करेगा। इस कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, इसका टेंस चेंज नहीं करेगा। आप भैया से सोच रहे हैं कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, टेंस पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, टेंस पढ़ाना बाकी है आपको, पढ़ाएंगे टेंस भी। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, है ना, पहले इसका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, कथी है डायरेक्ट, इसको बनाना है इनडायरेक्ट, क्या बनाना है इनडायरेक्ट। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ही का ही लिख दीजिए, सेज टू को चेंज करिए किसमें, बोलिए टेल्स में, किसमें टेल्स, बोलिएगा नहीं तो कहना सीखिएगा, बोलना पड़ेगा आप लोगों को तब सीखिएगा ना, बोलिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही, इसको क्या करेंगे टेल्स, इसको क्या करेंगे मी। रूल नंबर आगे वाला क्या कहता है कि कॉमा को क्या लगा दीजिएगा, डैट, कॉमा के बदला में डैट, कॉमा के बदला में डैट, डैट कर दिए, कहीं मक्खी सब है डैट। अच्छा एकरा बाद है, ये कौन पर्सन है, कौन पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन, देखिए फिर से लिख देते हैं, एक दो तीन एस ओ एन, ठीक है ना, बता दो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या है इसका, तो ही का ही, अनेक सर आई था ही के ना हो गया, अभी तो बताए ही आई फर्स्ट। अच्छा एक बात तो बताएंगे नहीं कि पर्सन, पर्सन तो बताएंगे नहीं कि हे भगवान, देखा सर पर्सन समझ में आएगा तब ना, एकरा कहते हैं आई वी को फर्स्ट पर्सन, आई वी को फर्स्ट पर्सन, यू को कहते हैं कथी सेकेंड पर्सन, अब बाकी सबको क्या कहते हैं थर्ड पर्सन, याद हो गया अब, आए आई वी यू
बाकी सब काम करो, क्लियर? चलो तो अब यो समझ में आ गया तुमको। चलो तो आई है कौन पर्सन, किसका साथ बदलेगा? सब्जेक्ट कथी है ही के लिए ही आ गया, आ ही के लिए आई था तो एम लगा है, ही है तो क्या लगेगा? ये तो क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। चलो इज लग गया। योर, योर किसका रूप होता है? यू का। देखिए देखिए गौर से देखिए, योर किसका रूप है? यू का। तो यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। तो फिर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकेंड पर्सन ही है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो एक ऑब्जेक्ट क्या है? ये ना है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कहती है सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो इस सेकेंड पर्सन चेंज करेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कथी है? मी। यानी यू चेंज करेगा, यूर चेंज करेगा किसके अनुसार? मी के अनुसार। तो मी केकर रूप होता है? आई का। आई का यूर वाला में कथी होता है? माई होता है। आई का योर वाला में कथी होता है? माई होता है। क्या जाएगा? माई। लोगी जहाँ पे कहा जाएगा? माई। अब फ्रेंड थर्ड पर्सन है, नो चेंज, फ्रेंड का फ्रेंड बन गया। आया? फिर समझिए, फिर से समझ लीजिए। बहुत बच्चे, कितने बच्चों को आ गया? चलिए अभी दो तीन बच्चे, अभी वो नहीं आया। देखो ई है फर्स्ट पर्सन, कथी पर्सन? फर्स्ट पर्सन चेंज किया है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? शुरू सुना रहे, शुरू से ही का ही सेज टू को चेंज कर दिए हैं किसमें? मी का मी लिख दिए, इसको कुछ नहीं करना होता है, इतना के इतने लिख देते हैं सेम टू सेम। यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा की जगह पे क्या लगा दिए हैं? कॉमा की जगह पे डैट, इन्वर्टर कॉमा खत्म, कॉमा खत्म। ये कौन पर्सन है? आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का क्या लिख दिए? ही। आई था तो एम लगा, ही था तो इज लगेगा। ई कौन पर्सन? यू सेकेंड पर्सन होता है, तो सेकेंड पर्सन चेंज करें किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का इसमें योर वाला में क्या होता है? माई होता है। कहाँ से देखे हैं? तो इसमें टेबल में देखे हैं, टेबल में देख देख के बनाएंगे। देखो ना, आई का माई वाला में योर वाला के सामने सामने क्या है? है ना, है कि नहीं है? तब वही बात है। चलिए इस तरह से चेंज कर दिया, आया समझ में? चलिए एक दो और बनाते, समझ में आएगा। बोता बनाएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए सी का लिख देते हैं, वो क्या? सी। सेज टू को क्या लिख दे? सेज टू को बोलो टेल्स लिख देते हैं, गुड टेल्स। ये दोनों बदल के आ गया टेल्स। यहाँ क्या लिखेंगे? मी। यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं होता है, इसको हटा के लगा देते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे मी लिख दिए, यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख दिए? दैट। कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब क्या? इसके जगह पे हम दैट लिख दिए, राइट? अच्छा अब देखना, ये कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन जो है वो किस, ये फर्स्ट पर्सन जो है आपका, ये फर्स्ट पर्सन ये किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट कथी है? सी। तो यहाँ यहाँ पे क्या जाएगा? सी। आई था तो लव हुआ है, तो सी है तो लव्स होगा, क्या होगा? लव्स। उसी अनुसार ना होगा भाई, क्या भर्व तो सब्जेक्ट के अनुसार ना आता है, लव्स। ठीक है, आई कौन पर्सन है? किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? ई कौन पर्सन है? भैया फिर से लिखने दो हमको, कौन पर्सन है? एक सेकेंड पर्सन किस अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट कथी है? तो क्या हो जाएगा? ये यू का ई फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यू वाला में मी का मी रहता है, मी का मी रहता है। तुमको दिखा देते कैसे मी रहता है, देखना। यू वाला का मी होता है, कैसे दिखा देते हैं तुमको, देखो। यू वाला का क्या है, क्या है? यू वाला का सब्जेक्ट है तब ना, ये ऑब्जेक्ट वाला है ना, मी। यू वाला का क्या होता है? है ना, इसीलिए हुआ है। सब्जेक्ट रहता तो आई रहता, ऑब्जेक्ट है तो मी रहेगा, है समय? अब देखिए, अब एंड है तो एंड, एंड में कुछ चेंज नहीं किया, एंड को ऐसे ही लिख दीजिए। फिर आ गया योर, योर कौन पर्सन है? कौन पर्सन है?
सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसको चेंज करेगा? अगेन क्या है? मी। योर वाला में मी का क्या होता है? माई होता है, अगेन पढ़े हैं, माई होता है, माई मदर। ठीक है, फिर बनाते हैं, यो बनाते हैं तो समझ में आएगा। चलिए फिर बनाते हैं, देखिए अगला बना के देखते हैं क्या बनता है। चलिए देखते हैं, बनाए, देखो ध्यान, देखो सीखो और ध्यान से समझो। बोलो क्या बना लिखेंगे? लंग यू, चलो यू लिख देते हैं, यू पतला हूं ना भाई। हाँ, सेज टू का क्या होगा? टेल। अस का? अस। इसका जगह यार भिनवाड़ा कमान लगा ले इन्हें, लागल है इन्हें बंद ना हो जाए। हाँ, एक जगह पे क्या लगाएंगे? इन्वर्टर कमा के जगह जहाँ पे दैट। वी कौन पर्सन? किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट कथी है? यू का क्या होगा? यू। यू यू के लिए क्या लगेगा? आर। ये कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन किसका संभालता है? अवेट क्या है? अस का क्या होता है? अस का वी होता है, वी वाला के आई में आवर होता है। क्या होता है? आवर, आवर, आवर होता है। देख लो योर वाला में आवर होगा, देखना। है ना आवर? तो याद रहेगा तभी ना बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। देखिए तो आवर, आवर हो गया। अब फ्रेंड वाला को थोड़ी चेंज कर, फ्रेंड का तो फ्रेंडे रहेगा, फ्रेंड। एंड का? एंड रहेगा। फिर आ गया कौन पर्सन? पर पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट कथी है? अस। ये देखो मुगा फिर से बताते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये कथी है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? हाँ, ये दिमाग में हमेशा सेट करके रखिए। सब्जेक्ट माने एने वाला, ऑब्जेक्ट वाला एने वाला। ठीक है ना? तो इस सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या? अस। तो अस जब सब्जेक्ट रहता है तो कथी रहता है? अस जब, हाँ तो अस जब सब्जेक्ट रहता है या तो कथी होता है? तो बी ना होगा, हो जाएगा यू के जगह पर हो जाएगा वी। ठीक है, कह जाएगा वी, वी। आर है तो आर ही रहेगा। कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन किसका नाम बोलता है? सब्जेक्ट कथी है? यू। तो यू का माई वाला में कथी होता है? योर। देखो यू का माई वाला में कथी होता है? योर। तो हो जाएगा योर, क्या जाएगा? योर। फ्रेंड्स आ गया कि नहीं आया? यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप, बन गया। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अब देखते हैं हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का। देखो जैसे देखिए एकदम हल्का हल्का देखिए, ही सेज टू राधा, ही सेज टू राधा आई हेट यू, आई हेट यू। चलो बनाते हैं, आप बनाते हैं, मिल के बनाते हैं। चलो फिर से बोलो क्या क्या होगा, बोलो तब हुआ क्या होगा इसका? ही, एक मिनट जाओ भैया, ही सेज टू क्या बताएगा? टेल्स, टेल्स राधा है तो राधा, यहाँ पर डैट। आई कौन पर्सन? किसके अनुसार बदलेगा? सवेर कथी है? ही का? ही। हेट का? हेट्स लग जाएगा इनमें। आई यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? अवेर कथी है? राधा के लिए क्या आता है ना? राधा के लिए क्या आता है? सी। राधा के लिए प्रोनाउन आता है सी। और सी का यू वाला में ऑब्जेक्ट वाला में क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट वाला में क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट कहने वाला में क्या होता है? देखो फिर से, राधा के लिए क्या आता है? सी। और सी के लिए ऑब्जेक्ट बन के जा रहा था, क्या बनेगा? हर। तो क्या हो जाएगा वहां पे? हर। और देखिए
और दिखाते हैं, देखिए एग्जाम्पल पे तो गर्दा लगना चाहिए ना, बढ़िया से एग्जाम्पल समझिए, देखिए एग्जाम्पल समझिए और देखिए, ही सेज टू अस आई हेट यू। अब बनाते हैं, क्या बनते हैं, चेंज करते हैं, अब देखिए करिए, अब बोलिए क्या बनेगा इसका, बोलिए क्या बनेगा, ही बना दीजिए। सेज टू का क्या होगा, टेल्स, अस का क्या होगा, अस, कनेक्टर के रूप में क्या लगेगा, दैट, आई कौन पर्सन, किसका साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, हेड का क्या हो जाएगा, हेड्स, कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेगा, अवेयर कथी है, तो यू चेंज करेगा किसके अनुसार, अस के अनुसार, तो अस का क्या होता है ऑब्जेक्ट में, अस होता है, क्योंकि अस होता है वी का, वी होता है सब्जेक्ट होता है वी, अवेयर होता है अस, और बन के जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले भी ऑब्जेक्ट था, अभी भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है ना। और देखिए छठा नंबर, देखिए देखिए यहाँ पे बदल देते, थोड़ा सा बदल, थोड़ा थोड़ा बदलेंगे, देखिए क्या बने, सी सेज टू मी आई हेट यू, और देखिए अब देखिए क्या होगा, अब बनाइए, अब बनाइए क्या बनेगा, देखिए क्या आ जाएगा, सी क्या होगा, टेल्स, यहाँ पे मी, यहाँ पे दैट, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ भी परेशानी नहीं होगा, ये कौन पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कथी है, तो सी बन के जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, सी ही ना रहेगा भैया, अब हेड थोड़ी ना रहेगा, अब हेड्स हो जाएगा, क्या जाएगा, हेड्स, इधर टेंस का नियम होता है, आई कौन पर्सन है, किसके अनुसार चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कथी है, तो मी का मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, आया, और दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा तब ना समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल देखने सही नहीं, अब देखिए ये देखो, देखो ना, देखो ना, अभी देखो ना, देखो बात नहीं, बात नहीं करूँ, चलो अब बनाओ क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन में तो सेजे होगा भाई, तो सही है भाई, इससे ही होगा, बोलिए क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, टेल्स राम दैट आई किसका आंसर होगा, बोलिए अगर क्या है, सी, सी के लिए क्या लगेगा, सी, हेड का, हेड्स हो जाएगा, यू कौन पर्सन, किस तरह से बदलेगा, और हेड क्या है, राम का क्या होता है, ही का क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट में हीम होता है, देख लीजिए, ही का क्या होता है कि नहीं है, इस तरह से चेंज करता है और इस तरह से बनता है, ठीक है, और दिखाएं, चलिए आठ नंबर देखिए, आठ नंबर जैसे देखिए, राम सेज टू, हाँ देखो ध्यान से, राम सेज टू, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझो, समझने की कोशिश करो, हम एक ही वाक्य बार बार ले रहे हैं, राम सेज टू हर आई हेट यू, आई हेट गर्ल्स, आई हेट गर्ल्स, चलो अब बोलो क्या होगा, बोलो राम टेल्स, यहाँ पे हर है तो हर ही रहेगा, कनेक्टर दैट, आई कौन पर्सन, किसके अनुसार चेंज करेगा, सब्जेक्ट क्या है, आई बदलेगा राम के अनुसार, राम क्या क्या हो जाएगा, आई है तो हेड थोड़ी ना होगा, अब हेड से जाएगा,
आर यू कौन पर्सन? सेम। किसके अनुसार? सेम। वेट क्या है? हार का? हार। अरे बस समझ में और देखिएगा, और दिखाते हैं, देखिए 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 देखिए, ऐसे थोड़ी ना आएगा, और देखिए जैसे ठीक है, अब बनाओ आई हेट यू। देख कैसे बनता है, वी का क्या होगा बोलो? वी। सेज टू का क्या होगा? टेल। क्या होगा? टेल। टेल होगा, टेल होगा, टेल। यू का? यू। कनेक्टर? बैट। यहाँ कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज करेगा? हेट क्या है? वी के लिए हेट लगा कि हेट्स? हेट लगेगा, हेट, हेट्स नहीं। यू कौन पर्सन? किसका अनुसार? अब वेट क्या है? यू का यू ही रह गया। आया समझ में? तो इस प्रकार से होगा। अब बता दे, चलिए एक और, एक और, एक और हेट रहेगा, चलिए ठीक है। अब रहेगा यू, देखो 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 देखो, यू टेल, नहीं यू टेल नहीं बनाओ भैया, अभी टेल नहीं, बाद में टेल करेंगे ना। यू क्या होगा? सेज। क्या होगा? यू सेज न होगा ना, से यू से टू मी क्या? आई हेट यू, आई हेट यू। बनाते हैं, अब बनाइए, बनाइए कैसे बनता है। यू का क्या होगा बुआ बोलो? सेज टू का क्या होगा? टेल। इसका मी, इसका दैट। आई कौन पर्सन? किसका अनुसार बदलेगा? हेड क्या है? यू। तो यू हो गया। हेड का? कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन किसका अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट का अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? इसके अनुसार बदलेगा, ये यू बदलेगा मी के अनुसार। तो मी का क्या होगा? क्योंकि एक ही को यू है, कहीं हिम हो रहा है, कहीं हर हो रहा है, कहीं यू हो रहा है, कहीं मी हो रहा है, मजा आ गया एकदम। नहीं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। और ए बात नहीं, बाद में बता लिया, घर जाके बाहर जाके आया समझ में कि नहीं आया। तो नरेशन बनाने के लिए ये सारे रूल लगाने के बाद, मगर इतना सीखने के बाद भी नरेशन नहीं आएगा अभी। ये है नरेशन का, कह सकते हैं 20%, अब 80% नरेशन बाकी है। अभी तो टेलर है, फिल्म बाकी है। टेलर में हालत ख़राब है, सोचिए फिल्म कितना हालत खराब हो।